तो चलिए बच्चों, कल तक की क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ लिया था और आज बारी है इक्विटी शेयर्स की। अब क्या होता है इक्विटी शेयर्स, तो उसके बारे में लिख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट बातें, और फिर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में मैं आपको डिफरेंस भी लिखवा दूंगा, क्योंकि डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट आपको मल्टीपल चॉइस करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़े हेल्प करेंगे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो अब देखिए बच्चों, इक्विटी शेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो ये बात मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट होता है अबाउट द डिविडेंड एंड कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कि सबसे पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को चुकाएगी डिविडेंड इक्विटी से पहले, और कैपिटल भी और डिविडेंड भी इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को मिलता है, और इक्विटी को कब मिलता है, प्रेफरेंस के बाद में। तो चलिए कुछ पॉइंट्स इक्विटी के बारे में भी लिख देते हैं, जिससे अपन को पता लग जाए कि इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है। तो लिखें इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर पेड्स डिविडेंड्स ओनली वेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट आफ्टर द ओनली वेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव बीन After the preference shareholder have been paid fixed rate of dividend। तो क्या बात लिखवाई मैंने इसके अंदर कि इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिनको डिविडेंड कब पे किया जाता है, केवल तभी पेमेंट किया जाता है कि जब प्रॉफिट अवेलेबल हो। कब? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पेमेंट करने के बाद अगर प्रॉफिट अवेलेबल होता है तभी इक्विटी शेयर्स को पेमेंट किया जाता है, वही इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है, आगे लिखें इसकी और करेक्टरिस्टिक क्या है। लिखा है देयर विल बी नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होती इक्विटी के ऊपर। देयर विल बी नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। आगे लिखें, इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर There are no profits or insufficient profit। The equity shares will receive nothing। तो देखिए बच्चों, क्या चीज बता रखी है इसके अंदर, ये बात लिखी हुई है कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो जैसे कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में डिविडेंड रेट फिक्स होती है, इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होती है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होती इक्विटी में। इक्विटी शेयर होल्डर की डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होती है, ठीक है। अगर प्रॉफिट अवेलेबल होगा तो डिविडेंड मिल जाएगा इक्विटी पे, और प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। यही बात इसमें लिखी है, देयर विल बी नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर देयर आर नो प्रॉफिट। मान के चलिए अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर प्रॉफिट नहीं है या सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा डिविडेंड के रूप में। ठीक है जी, आगे लिखें, इफ कंपनी अर्न, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट्स
दे गेट हायर रेट ऑफ डिविडेंड, दे गेट अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड, अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड। अगर मान के चलिए कंपनी ने प्रॉफिट ज्यादा कमा लिया, मोर प्रॉफिट कमाया तो डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, कम कमाया तो डिविडेंड भी कम मिलेगा, और नहीं कमाया तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो यानी टोटली फ्लक्चुएटेड है, ठीक है। एज रिगार्ड रिटर्न ऑफ कैपिटल, अगर हम कैपिटल की रिटर्निंग की बात करें, ठीक है, एज रिगार्ड रिटर्न ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिटर्न ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिटर्न इन फुल, व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिटर्न इन फुल। तो देखिए बेटे, इसमें मैं बता रखी है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर को, कंपनी के पास इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है उसको आप तभी रिटर्न कर सकते हैं जब प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल आपने पूरी पूरी रिटर्न कर दी हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल तो पेंडिंग पड़ी हुई है, आपने उसको रिटर्न नहीं किया और आप इक्विटी शेयर कैपिटल को आप रिटर्न करने जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है। आगे लिखें, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स, इनको वोट करने का राइट है, एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, मैटर्स हैं, उसके अंदर पूरा जो है इंटरफेरेंस करने का पूरा हक होता है, एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ कंपनी और कंपनी, ठीक है जी। तो ये थी सारी बातें इक्विटी के बारे में। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे, हालांकि वैसे तो अपन प्रेफरेंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं, इक्विटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक सिस्टमैटिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इनका डिफरेंस में कोई सा भी पॉइंट पूछा जा सकता है। तो आप लिखें डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग डालें प्रेफरेंस शेयर्स और फिर डालें इक्विटी शेयर्स, ठीक है जी। इसमें आप लिखें बेसिस और ऊपर लिखें बेसिस, किस बेस पर हम डिफरेंस कर रहे हैं इसका। पहला लिखें रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स को आप फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं, तो लिखें प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड एट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, आगे लिखें द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स आर नॉट फिक्स्ड, इक्विटी शेयर्स आर नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स अपॉन availability of profits, ठीक है जी। इसके बाद लिखें preferential right as to payment of dividend and capital, यानी डिविडेंड और कैपिटल का प्रेफरेंशियल राइट किसको है, प्रेफरेंस शेयर्स को है,
तो आप लिखें दे हैव अ राइट टू रिसीव, दे हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड एंड कैपिटल, एंड कैपिटल, कैपिटल के आगे आप ब्रैकेट में लिखें एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कैपिटल का मिलने का हकदार रखता है प्रेफरेंस शेयर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पे। बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर, बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर्स से पहले चाहे कैपिटल हो या डिविडेंड हो, प्रेफरेंस शेयर्स को पहले हक है, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल, अब कैपिटल का पेमेंट होती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कैपिटल इज पेड ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड आउट फुली, इज पेड आउट फुली। तो चलिए बच्चों, दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हालांकि मैं आप लोगों को ये सारी बातें समझा चुका हूं कि ऑथराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं, इशूड कैपिटल किसे कहते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसे कहते हैं, लेकिन बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल के आगे देखा जाए तो फिर दो पार्ट आ जाते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के फिर दो पार्ट होते हैं। तो और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं, जिस पर कई बार असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपकी नॉलेज नहीं होती तो उस वजह से आपको थोड़े क्वेश्चन समझने में मुश्किलें आ जाती हैं। तो आप समझे इस बात को, दो किस तरीके की सिचुएशंस आती हैं, एक तो आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और एक क्या चीज है सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप। तो दोनों के बातों बारे में बेटा अपन सब लिख लेते हैं कि क्या चीज है इन दोनों का, मतलब डेफिनेशन लिखवा देता हूं, जिससे कई अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा मल्टीपल चॉइस पे या कोई थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो लिखें सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एंड फुली पेड अप। तो लिखें इसको पहले लिख लें, फिर मैं आपको समझा देता हूं। When entire nominal bracket में लिखें face value, nominal value मतलब face value एक ही बात होती है। When entire nominal bracket में लिखें face value of share is called up by the company and also paid up by the shareholder, and also paid up by the shareholder, ठीक है, it is said to be subscribed and fully paid up, subscribed and fully paid up, ठीक है, subscribed and fully paid up capital। तो देखिए बच्चों क्या बात बोल रखी है इसके अंदर, जैसे मान के चलिए अगर आपकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, लिखा है व्हेन एंटायर नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज कॉल्ड अप, कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए कॉल भी कर रखे हैं, कॉल्ड अप कर रखे हैं, और शेयर होल्डर ने चुका भी रखे हैं पूरे 10 के 10 रुपए, ऑल्सो पेड अप बाय द शेयर होल्डर, इट इज सेड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या बोलते हैं, ये सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अप है। और अब मैं बात बताने जा रहा हूं आपको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो इसके बारे में भी लिखें,
बी नंबर का पॉइंट लिखें, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो लिखें इसमें शेयर्स आर सेड टू बी सब्सक्राइब्ड, शेयर्स आर सेड टू बी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप अंडर द फॉलोइंग टू सिचुएशन, अंडर द फॉलोइंग टू सिचुएशन। चलिए बेटे अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब आती है बात यहां पर टू सिचुएशन वो कौन कौन सी है। नंबर पहला, when company has called up the full nominal value, when company has called up the full nominal value, ठीक है, of the share, when company has called up the full nominal value of the share, but the shareholder, but the shareholder had not paid some part of the nominal value of share. Number two, when company has not called, when company has not called the full nominal value of share, the full nominal value of share। तो देखो बच्चों अब है क्या इसके अंदर, company has called up the full nominal value of the share, company ने पूरा पूरा 10 के 10 रुपए, जैसे मान के चलो 10 रुपए का एक शेयर है, company ने पूरा पूरा 10 के 10 रुपए मांग रखा है, ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर ने इसमें 10 रुपए में से केवल 8 रुपए ही चुकाए हैं। तो एक तो ये सिचुएशन हो गई, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और एक क्या सिचुएशन होती है कि कंपनी ने 10 रुपए का शेयर है, अभी मांगी 7 रुपए और मांगी नहीं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो इसमें दो सिचुएशंस होती हैं, दोनों में ही एक ही नाम बोला जाता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो उम्मीद है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाली सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो दो टर्म और है हमारे पास जो हमें पता होने चाहिए, उसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो पहला है कॉल्ड अप किसे कहते हैं, जो यूजुअली बच्चे कंफ्यूजन होते हैं जिसके अंदर कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो पहले आप कॉल्ड अप का नाम लिखें, कॉल्ड अप किसे कहते हैं, द टर्म कॉल्ड अप रेफर्स टू, द टर्म कॉल्ड अप रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कॉल्ड बाय द डायरेक्टर फ्रॉम शेयर होल्डर, कॉल्ड बाय द डायरेक्टर फ्रॉम शेयर होल्डर। और पेड अप कैपिटल का मतलब देखो बाप, पेड अप किसे कहते हैं, पेड अप रेफर्स टू द टर्म, पेड अप रेफर्स टू, पेड अप रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप, दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर, विच
हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर। अब एक बात बताएं, 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने मांगी अभी 8 रुपए, तो क्या कहलाएगी? 8 रुपए का होल्ड अप कैपिटल। अब 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने मांगे 8 रुपए, लेकिन शेयर होल्डर ने चुकाए 7 रुपए, तो ये पेड अप कैपिटल कहलाएगी कि पेड अप कितनी है। तो ये तो था कॉल्ड अप और पेड अप के बारे में बात। तो चलिए बच्चों, अब आती है बात रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं और कैपिटल रिजर्व किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए दोनों के बारे में अपन लिख लेते हैं, रिजर्व कैपिटल क्या है और कैपिटल रिजर्व क्या है, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो लिखें सबसे पहले रिजर्व कैपिटल, लिखें सबसे पहले रिजर्व कैपिटल, लिखें इसमें एज पर सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज पर सेक्शन 65 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू लिमिटेड कंपनी मे हैव रिजर्व कैपिटल। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर मैंने क्या बात लिखवाई है, एज पर सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू लिमिटेड कंपनी मे हैव अ रिजर्व कैपिटल। तो ये तो इसकी डेफिनेशन। अब नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं। आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं, मान के चलिए 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने अभी 8 रुपए मांग रखे हैं और कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है, ठीक है, कंपनी के पास अभी भी हक है बचे हुए 2 रुपए मांगने का, कंपनी के पास अभी भी हक है बचे हुए 2 रुपए मांगने का। ये जो बचे हुए 2 रुपए होते हैं ना, ये रिजर्व कैपिटल कहलाती है, ठीक है। मान के चलिए कंपनी ने अभी तक 2 रुपए नहीं मांगे हुए, तो ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, रिजर्व कैपिटल। अब आती है बात कि हम कैपिटल रिजर्व किसे कहते हैं। अब आप चलिए कैपिटल रिजर्व के बारे में भी लिख दीजिए। अब देखना यह कि कैपिटल रिजर्व किसे कहते हैं। तो लिखिए सबसे पहले कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स विच आर नॉट अर्न्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, in the normal course of business. These reserves cannot be utilized. These reserves cannot be utilized for the distribution of dividends. Following are the items that give rise to capital profit.
कैपिटल प्रॉफिट, एनहेंस कैपिटल रिजर्व, एनहेंस कैपिटल रिजर्व। अब कौन कौन से हैं? फर्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आगे लिखें प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, फोर्थ प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, और फिफ्थ है प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन। और प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो देखिए बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि कैपिटल रिजर्व किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व्स हैं जो क्रिएट होते हैं आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। अब दिमाग में आता है सर कैपिटल प्रॉफिट किसे कहते हैं। फिर अगर आप कहते हैं कि कैपिटल रिजर्व्स जो हैं वो कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट होते हैं, तो फिर कैपिटल प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट्स होते हैं जो आप अर्न नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं करते। अब आप बोलेंगे सर ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या अर्न होता है। मैंने कहा जैसे आपकी जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज हैं, जैसे गुड्स सोल्ड करके जब आप कमाते हैं तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट बनता है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कोई मशीन बेच देते हैं या फर्नीचर बेच देते हैं और उससे आपको कोई प्रॉफिट हो जाता है, या कोई अपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेच देते हैं, तो वो रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता। और उस पर अगर आपको कोई असेट बेचकर कोई इनकम अगर हो जाती है, तो वो कैपिटल प्रॉफिट बनती है, क्योंकि वो रेगुलर एक्टिविटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है। अब देखिए बेटे, आती है बात यहां पे, दीज रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आपका मल्टीपल चॉइस बन सकता है कि ये रिजर्व को, यानी कैपिटल जितने भी रिजर्व होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए हम यूज नहीं ले सकते हैं। यानी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इन रिजर्व से, कैपिटल प्रॉफिट्स में से, कैपिटल रिजर्व में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, केवल रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से होता है। अब आती है बात यहां पर, और कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से हैं कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो कि मैंने अभी चर्चा की आपसे, फिक्स एसेट्स पे रिवेल्यूएशन हो जाता है, और अगर आपकी फिक्स एसेट्स में बढ़ोतरी हो जाती है, उस रिवेल्यूएशन से कोई प्रॉफिट होता है, तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, ये भी कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये भी कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। और आपका सबसे चहिता प्रॉफिट ऑन फोर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, जो कि आप पूरी कंपनी में पढ़ के आए हैं, और जिसको आप फोर फीचर के बैलेंसेस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, वो भी कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, जो कि कैपिटल रिजर्व में जाके ट्रांसफर होता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो देखिए बच्चों, एक बात मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ये करना चाहता हूं कि शेयर्स जो होते हैं वो किस तरीके से इशू होते हैं। इशू ऑफ शेयर्स लिखें आप, इशू ऑफ शेयर्स, तो इशू ऑफ शेयर्स में बी इशूड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, लिखें शेयर्स में बी इशूड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। किन वेज से शेयर्स इशू किए जा सकते हैं? तो फॉर कैश, फर्स्ट है फॉर कैश, जिसमें बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स,
दूसरा फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, और तीसरा है आपका फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके भी आप क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो चलिए बच्चों इसमें लिख लेते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि कुछ एक ऐसी एजेंसी होती है जिसमें कंपनी अपने सारे शेयर्स उस एजेंसी को एक साथ बेच देती है, ठीक है। और जब कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई मैं डायरेक्टली खुद पब्लिक को शेयर्स ऑफर नहीं कर सकती, तो प्राइवेटली किसी एक एजेंसी को दे देती है और उनसे सारा पैसा ले लेती है, और वो प्राइवेट एजेंसी अपनी सहूलियत से धीरे धीरे शेयर्स में जो है मार्केट के अंदर अपने हिसाब से इशू करती है, तो उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। हालांकि आप एक बार लिख लीजिए, लिखा है एज पर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी में इशू शेयर्स, कंपनी में इशू शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, जो कि मैंने आपको प्रोसीजर बताया अभी कि एक साथ एजेंसी को शेयर्स दे देना। समटाइम्स देखिए यही लिखवाया मैंने यहां पर, समटाइम्स द प्रमोटर कौन होता है, जो कंपनी को फर्स्ट टाइम सारी लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके जो कंपनी को लीगल एग्जिस्टेंस में लेकर आता है वो प्रमोटर कहलाता है। समटाइम्स द प्रमोटर ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू प्राइवेट सोर्सेस, एंड कॉन्टैक्ट्स इन सच अ केस कंपनी डू नॉट इन्वाइट In such a case, company do not invite the public to subscribe for a share. ठीक है, बट मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्स टू द प्रमोटर, ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैंने जो आपको ये बात बोली वही है यहां पर बात लिखी हुई, सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये बात बोलता है कंपनी इशू कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट के तरीके से भी शेयर्स, यानी कंपनी को अगर कॉन्फिडेंट होती है कि मैं ठीक है मैंने पब्लिक के अंदर शेयर्स इनवाइट नहीं करने एक एक करके, डायरेक्टली प्राइवेट सोर्सेज के थ्रू ही मार्केट में शेयर्स ले आएंगे, तो वो जितने भी इसके प्राइवेट सोर्सेज और कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं उनको शेयर्स जो है कॉन्फिडेंट रहती है इस बात की कि भाई हम प्राइवेट सोर्सेज के थ्रू शेयर्स मार्केट में इशू कर देंगे, तो जितने भी प्राइवेट एजेंसीज हैं उनको शेयर्स दे देती है, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वालों को शेयर्स दे देती है, और इसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स बाय द प्रमोटर्स। तो उम्मीद करता हूँ ये प्राइवेट प्लेसमेंट वाली बात भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, लेकिन इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको लिखवाने हैं, तो उम्मीद है यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है,
आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।